नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों की तरह उल्लासनगर को मेन बाजार और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई करते समय वहां पर एक विक्रेता, उस पर जो कार्रवाई की जा रही थी उससे गुस्सा होकर वह आक्रोश में आ गया और उसने अपने ही सामान को आग लगाने की कोशिश की, जिसको देखते हुए महापालिका के अधिकारियों की तरफ से उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। चलने दे। शकल देख के काम करते हो आप लोग। चप्पल का भी पूरा वहाँ लगा हुआ था ना, उठाना मांगता था ना भाई। नहीं, और मेरा ही माल नहीं लगेना है। इतना पूरा मार्केट लगेना है, खाली मेरा ही लगेना है, बताओ। नहीं, मैं बंद करेगा धंधा। ठीक है, सबका बंद कराओ, मेरा ही लगेना है खाली। किशोर भाई बताओ। कल देख के काम करते भाई, पूरा चप्पल का धंधा लगा हुआ है, पूरा नहीं उठाया। नहीं, मेरा ही लगेला है खाली, बताओ। देखना सही नहीं कर रहे ना। नहीं, मेरा ही लगेला है खाली, पूरा मार्केट भरेला है। काल आमचे प्रभाग समितीचे मुकद्दम श्री किशोर लोट, माझे सगळे सहकारी वगैरे, काल संध्याकाळी 4 नंतर मी त्यांनाच आदेश दिले होते कारवाई करायचे पथपथावर। नेहरू चौक, शिरू चौक, आमंट टॉकीज रोड इथे ते कारवाई करत होते संध्याकाळी 7:30 सुमारास। त्यांना नेहरू चौकामध्ये विकास चारण नावाचे व्यक्ती, ते एक बेल्ट विक्री व्यवसाय करत होता आणि यांना त्यांनी अटकला असता त्यांनी संबंधित माझ्या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली आणि अरेरावीची भाषा केली आणि इथे स्थानिक लोकांना एक जमून त्यांनी चिथावणीचं एक महापालिकेवर चिथावणीखोर असं त्यांनी एक लोकांना सांगितलं। त्यामुळे आज आम्ही प्रभाग समितीच्या वतीने संबंधित विकास चारण या विक्रेत्यावर आम्ही आज विठ्ठलवाडी आम्ही 1 नंबर पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही रितसर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यापुढे दिवाळी आली आहे, दिवाळीमध्ये नेहरू चौक परिसरात कुठल्या अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून, एक लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही आमची कारवाई आम्ही नियमित आजपासून आम्ही रात्री 9 वाजेपर्यंत माझं पथक इथे कारवाई करणार आहे आणि करीत राहणार आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।